नवाब मूवीज है इसमें, भाई हमारा छोटा। और पीछे 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 पिक्चर देख रहे होंगे जी जी जी, अदर फादर के साथ। तो ही इज ए लीजेंड पर्सन। फिरोज भाई भी है लेकिन उनसे ही बड़े बनेंगे, पापा का आशीर्वाद है हम लोगों पर। तो भैया आपसे जानना चाहेंगे, उन्होंने मुझसे पूछा था, मैं आपको बताया था कि एक डांस स्पोर्ट है जो वर्ल्ड गेम और इंटरनेशनल वर्ल्ड गेम ऑफ एसोसिएशन एंड इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी से रिकॉग्नाइज है। भारत में रिकॉग्निशन नहीं था क्योंकि भारत में लोगों को मालूम नहीं है स्पोर्ट डांस की कोई गेम ऐसा है। दुनिया में एक ही स्पोर्ट, एक ही डांस है जो स्पोर्ट में आता है, और भारत सरकार ने भी उसको रिकॉग्नाइज किया है। मैं भारत को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये मैं प्रेजेंट ऑल इंडिया डांस फेडरेशन का, और भारत को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ एशियन इंडोर गेम जो भी एक डेढ़ महीने के बाद आस्थाबाद में होने जा रही है, तो भारत को टीम लेके करूँगा। और आपके पहले मैंने बहुत गोल्ड मेडल दिला चुका हूँ, अभी भारत ने ही रिकॉग्नाइज किया है कि वो इंडियन ओलंपिक में है। इसके पहले ऑलरेडी पहले से था, तो वर्ल्ड लेवल पे 4-5 गोल्ड मेडल मैंने भारत को दिलवाया। तो मैं सोचता हूँ मैं एक भारतीय होने के नाते बहुत अपने आप को गर्व महसूस करता हूँ, और सब मेरा नहीं है, सब आप जनता का और आप लोगों का, भारतवासियों का है प्यार, इसलिए सब होता है। 5 कार की नीति है, वो अपने हिसाब से सोचती है, और मेरा काम है प्रयत्न करना, और एक सच्चे भारतीय के होने के नाते जो जो हम कर सकते हैं अपने बल बदौलत और आप लोग के प्यार सहयोग से, तो हम करते ही रहेंगे। अब सरकार की नीति है, सरकारी चाहेगी तो दे। बहुत कम लोग है कि मैं तो बिजनेसमैन हूँ और साथ ही साथ एजुकेशन से रिलेटेड हूँ, मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका, मैं ऑलरेडी प्रोफेसर भी हूँ, स्पेस टेक्नोलॉजी से भी मैं रिलेटेड हूँ, तो पॉलिटिक्स के बारे में वो कम समझ में आता है। लेकिन अगर जहाँ तक GST की बात है, इसमें अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का अगर इसमें भला हो रहा है तो अच्छी बात है, लेकिन हम उसके लिए तैयार पहले से नहीं थे। हमें तैयार करा के करना चाहिए था, लेकिन एक दिन कोई ना कोई अच्छे काम के लिए कुछ न कुछ तो कुर्बानियाँ देनी पड़ती है। तो इससे अगर पूरे देश का, पूरे हर एक राज्य में अगर एक ही GST का, मतलब जैसा मैं समझता हूँ, पूरे हर एक स्टेट में हर एक जगह एक ही वो टैक्स वगैरह का नियम है, तो इसे अच्छा ही होना चाहिए जनता को। विक्रांत भाई तो प्यारा गिफ्ट की भाई मेरे अर्जुन भैया स्पेशली बॉम्बे आए बर्थडे के लिए, अपना काम छोड़ के, बिजनेस छोड़ के, और मेरे लाइफ में ये सबसे बड़े और स्पेशल गिफ्ट यही है। और जो कुछ हूँ मैं, जो कुछ लाइफ में कर रहा हूँ और जो कुछ मैं अचीव कर रहा हूँ, मैं अपने बड़े भाई के कारण ही कुछ कर पा रहा हूँ लाइफ में। जितने बड़े हैं उतने ही नम्रता उनके अंदर भरा है। मैंने जब भी मैंने देखता हूँ, वॉचमैन हो या ड्राइवर हो, जिससे भी मिलते हैं वक्त करेंगे, गले मिलेंगे, और अगर मैं इनका 1% भी बनूं लाइफ में, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मैं पहले स्टार्टिंग में जब मैं रीजनल फिल्म किया, मैंने काफी पहले भोजपुरी मूवीज की मैंने, तो पहले मैं एक्टिंग करता था, लेकिन मैं अभी सोचता हूँ कि जब कैमरे के सामने हम लोग रहते हैं तो रियल, जितना रियल हम लोग रहेंगे एक्टर को साइड करके, उतना ही बेनिफिट होता। आशा चंद्र जी से भी मैंने ये सीखा था कि हम लोग जितना नेचुरल परफॉर्मेंस जैसे देते हैं, क्योंकि कई बार शुरू में कैमरे के सामने आ जाते तो एकदम से सलमान खान, शाहरुख खान की आत्मा शरीर में घुस जाती है, तो उस चीज को अलग हटाना पड़ेगा। जैसे अगर विक्रांत एक्टिंग करो तो उसको नॉर्मल विक्रांत रहना चाहिए, और किसी की कॉपी है वो सब नहीं करना चाहिए। जितना आप नेचुरल करोगे, जैसे नवाजुद्दीन है और इरफान जी, जितना नेचुरल उन लोग परफॉर्मेंस दिया है, उसी के बदौलत आज वो इस मुकाम में पहुंचे। भाई कोई आइडिया? बिग बी अमिताभ बच्चन जी को मैं शुरू से देखा, उनकी एक्टिंग, और मुझे वो मैंने उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। और तुम जियो हजारों साल और एक दिन के मनीषा जी आपसे जानना चाहूंगा कि भाई के लिए मतलब ये दिन इतना स्पेशल है, और आने वाला फ्यूचर में उनके इतने प्रोजेक्ट्स, इतने वर्क हो, वो इतने बिजी हो कि वो हमें भी टाइम देने के लिए ना, कि हम उनके साथ टाइम स्पेंड करने के लिए भी सोचे कि नेक्स्ट बर्थडे भी सेलिब्रेट करें साथ में। हैप्पी बर्थडे। मेरे लिए आई थिंक इट्स बेटर अपॉर्चुनिटी फॉर मी कि मैं दूसरे कंट्री में जाके योगा कर रही हूँ और योगा सिखा रही हूँ। इट्स अ वेरी बिग ग्रेट वर्क फॉर मी कि मैं मोदी जी के अभियान से जुड़ के, और उनको एक जैसा कि मैंने बोला था लास्ट टाइम कि उनके साथ मैं कुछ चीजें करना चाहती हूँ लाइफ में, तो
एक्साइटिंग है करना, और खुद अपनी कंट्री से जाकर के, इंडिया से जाकर के कोई अदर कंट्री में अगर कुछ ऐसा करता है तो इट्स द नॉर्मल थिंग, नॉट नॉर्मल थिंग कि लोग दूसरी कंट्री से अपनी इंडिया में आके लोग क्या क्या चीजें बताते हैं, करते हैं, और इंडिया वाले उस चीज को फॉलो करते हैं हमेशा। और इंडिया से जब कोई जाकर के ये चीज बाहर अच्छा करता है तो उसको कितना अप्रिशिएशन मिलेगा, मतलब मुझे तो वहां पे मुझे लगता है कि थाउजेंड ऑफ पब्लिक